गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक चैप्टर कर लिया है दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन, हम आज अपना नया चैप्टर लेकर आपके सामने आ रहे हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आप लोग जानते हैं दैट एनसीईआरटी की बुक में ये पहला चैप्टर है। आज हम उसी के आगे स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर और उसी को समझेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एक्चुअली है क्या। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं दैट प्लांट्स आर नॉन मोटाइल। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि प्लांट्स नॉन मोटाइल हैं और जो इनके न्यूट्रिशन है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होते हैं। रूट्स आर फॉर फोरेजिंग। आपने पढ़ा है कि रूट्स आर फॉर फोरेजिंग। रूट्स जो है वो फोरेज करने के लिए होती हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। रूट से सब्सटेंस का अब्सॉर्प्शन होता है, उसका अपवर्ड ट्रांसफर होता है। हम इन्हीं चीजों को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात यहां पर क्लेरिफाइड हो लें, यही समझ लें सबसे पहले कि एक्चुअली किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों कि किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फ्रॉम हेयर। सब्सटेंसेस, अगर आप मुझसे कहेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है तो मैं सिंपली लिस्ट करूंगा दैट वॉटर, मिनरल, फूड, हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स जिन्हें आप कहते हैं, गैसेस, CO2 और H2O जैसी गैसेस भी प्लांट्स में एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसपोर्ट होती हैं। सो देयर इज इजी टू रिकॉल द थिंग्स दैट वाटर, मिनरल, फूड, हार्मोन्स एंड गैसेस, ये ऐसी चीजें हैं जो प्लांट्स में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट होती रहती है। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जब आप एनसीईआरटी पर अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या पता चलेगा, देयर आर टू टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड दो टर्म्स हैं आपके लिए। पहला टर्म इटसेल्फ ट्रांसपोर्ट, ध्यान रहे ये एक टर्म है ट्रांसपोर्ट, और एक इसके साथ दूसरा टर्म भी है दैट इज ट्रांसलोकेशन। एक ट्रांसपोर्ट है और दूसरा ट्रांसलोकेशन है। दोनों में मेजरली क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बातें हैं, हम इनको वन बाय वन पहले समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इज यूजुअली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट किसके लिए है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जबकि ट्रांसलोकेशन इज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस से मेरा मतलब विद इन सेल, बिटवीन सेल्स और विद इन टिश्यू। ये एक सेल में हो सकता है, दो सेल्स के बीच में हो सकता है और टिश्यूज के बीच में हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विद इन सेल, बिटवीन सेल्स और विद इन टिश्यूज, इनमें अगर हो रहा है तो हम इसका नाम रखेंगे ट्रांसपोर्ट। जबकि ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, यू कैन श्योरली सेज दैट रूट टिप टू एरियल पार्ट। रूट टिप से अगर एरियल पार्ट की ओर हो रहा है तो हम उसे ट्रांसलोकेशन का नाम देंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आप लोगों को जरूर याद रहना चाहिए एंड दैट इज कि जो ट्रांसपोर्ट है, पहला टर्म जो है ट्रांसपोर्ट का, उसमें अगर आप देखें तो जाइलम एंड फ्लोएम नॉट इन्वॉल्व्ड। जाइलम एंड फ्लोएम नॉट इन्वॉल्व्ड। आप जानते होंगे कि कंडक्टिव टिश्यूज आर मेनली मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, बट दीज सिस्टम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट। While here, I can surely say
दैट जाइलम एंड फ्लोएम टेक पार्ट्स। जाइलम और फ्लोएम जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ध्यान रहे, हमने पहले बात ये करी कि ये सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उसके बाद हमने दो टर्म्स जो एनसीईआरटी में आगे मेंशन है उनके बारे में आपके सामने पॉइंट रखा है। ध्यान रहे इस चीज का भी कि जैसे अगर बेसिक आइडिया लें तो जनरली हम देखते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ये एक्टिव होता है। कैसे होता है बेटा? एक्टिव यानी बाय एटीपी यूज, एटीपी के यूज से ही ये प्रोसेस ड्राइव होती है, जबकि ट्रांसलोकेशन जो होता है वो पैसिव होता है यानी विदाउट एटीपी। याद रहे कि ट्रांसलोकेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अदर इज जनरली पैसिव, देयर इज नो एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस, व्हाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस विद इन सेल और बिटवीन सेल मूव। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं बेटा तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी चीजें समझते हैं। ध्यान रहे कि ट्रांसपोर्ट समझने में हमें इन बातों को, शुरुआती बातों के अलावा हमारा जो सबसे मेजर पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए डायरेक्शन। सो वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर मोस्ट इज ट्रांसपोर्ट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, डायरेक्शन समझने की बात करें, तो हमारे पास दो पॉइंट क्लियर हैं। पहला इन जाइलम और दूसरा इन फ्लोएम। जाइलम में और फ्लोएम में दो तरीके से ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन हम क्लियर समझ सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं दैट इन जाइलम द ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। एंड इन केस ऑफ फ्लोएम देयर आर टू टर्म्स विच आर इन एक्चुअली ट्रेंड दैट इट कैन बी बाई और मल्टी डायरेक्शनल। ये बाई हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल उसी को टर्म में भी हम यूज करते हैं। सो जाइलम में यूनिडायरेक्शनल रूट टू एरियल पार्ट, रूट टू एरियल पार्ट। जबकि अगर आप फ्लोएम में बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है और रेडियल भी है। अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, रेडियल है। यहां पर इन दैट टर्मिनोलॉजी वी कैन कॉल ओनली अपवर्ड। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड है, यहां अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, रेडियल है। हमने फ्लोएम में बेसिक आइडिया लिया है कि फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और जो हर डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर हम ट्रांसपोर्ट की एग्जैक्ट बात समझें तो हम एग्जैक्टली ये बात क्लियर कर पाएंगे यहां पर विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स दैट दिस इज अ स्टेम, दिस इज रूट पार्ट, वी हैव रूट हेयर्स एंड दिस इज ग्राउंड लेवल। व्हेन वी गो अपवर्ड वी सी सम लीफ एंड द बर्ड प्रेजेंट हियर, व्हाइल इन अनदर पार्ट वी हैव डेवलप्ड लीव्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेम। व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर इज अगर यहां लीफ में फूड का फॉर्मेशन होता है तो ये फूड यहां से चलकर फ्लोएम के वाया नीचे जाएगा। दिस इज फ्लोएम के वाया नीचे जाएगा, सरफेस पर होता है फ्लोएम। आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ रिंगिंग एक्सपेरिमेंट और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वी यू हैव हर्ड, उसके थ्रू हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि लीफ से लोअर एरिया में नीचे की तरफ फूड का ट्रांसफर होता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर दिस इज बड, अगर आप देखें तो इस बड को अगर ग्रोथ करने की जरूरत पड़ेगी तो इसी रूट से वाया फ्लोएम फूड जो है वो बड की तरफ तक जाएगा। दिस इज अपवर्ड ट्रांसपोर्ट
एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू फ्लोएम, ये भी फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है लेकिन ये अपवर्ड है, यहां थोड़ा सा बगल की तरफ मुड़ा, यू कैन कॉल इट एज रेडियल। वॉट इफ वॉटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय रूट, अगर यहां से वॉटर है रूट उसे ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो ये देखिए वॉटर हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, ऑलवेज टूवर्ड्स अपवर्ड, दिस इज नथिंग बट जाइलम। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ग्रोइंग पीरियड में लीफ ने फूड बनाया, फूड का ट्रांसपोर्ट नीचे की तरफ हुआ, जब फूड का ट्रांसपोर्ट नीचे की तरफ हुआ किसी जगह पर स्टोर हुआ, फिर उसके बाद जब नीड पड़ी तो वहां से फूड का अगेन ट्रांसलोकेशन हुआ ऊपर की तरफ, या जहां भी फूड की रिक्वायरमेंट है, तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड तो चल ही रहा है, साथ में जाइलम में अपवर्ड ट्रांसपोर्ट भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, जिसमें हमने दो बातें पढ़ी। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है ट्रांसपोर्ट की, नीड क्या है ट्रांसपोर्ट की। देन वी हैव स्टडीड देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन। एंड द लास्ट थर्ड इज व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर? इन तीन चीजों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, जो एनसीईआरटी में बेसिक हेडिंग अगले पेज से दी हुई है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट तो हम समझ रहे हैं, नीड भी हम समझ रहे हैं, तरीके भी आगे आने वाले हैं, यहां पर हम उन बेसिक तरीकों के बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से तरीके हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो ट्रांसपोर्ट में यूज होती हैं। आई हैव मेंशन्ड फॉर यू दैट मेथड्स और स्ट्रेटजीज वी आर डिस्कसिंग हियर फॉर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो उसके लिए हम यहां पर क्या चीजें क्लियर करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम शुरू करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बेसिक आइडिया क्या दिया हुआ है वो समझिए जरा। बेसिक आइडिया ये दिया हुआ है बेटा कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये बात हर कोई जानता है दैट पैसिव इज नो एटीपी एंड एक्टिव इज विद एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसे कहते हैं जिसमें एटीपी खर्च होती है, और पैसिव उसे कहते हैं जिसमें एटीपी खर्च नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगर देखें तो हमारे पास दो बहुत ही बेसिक टाइप है इसके अंदर। वन इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन, जिसे एनसीईआरटी में सिर्फ डिफ्यूजन लिखा हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन, वी विल कॉल इट एज एसडी। व्हाइल द सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आप जानते हैं सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और नोन एज एफडी। सिंपल डिफ्यूजन पहला, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दूसरा, ये पैसिव है। एक्टिव के अंदर कोई फर्दर टाइपिफिकेशन नहीं है, एक्टिव हम सिंपली इस बात पर चलेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझाना जरूरी रहेगा कि एक्टिव पैसिव में ये एटीपी के अलावा और क्या क्या चीजें हैं, वो हम इनके टाइप्स में ही वन बाय वन समझेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन। आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन सिंपल डिफ्यूजन से। सो कम टू दैट, एंड दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। मैं आपको एनसीईआरटी के अराउंड अराउंड ही रखूंगा, लेकिन यह भी बात मैं जानता हूं कि हर टर्म्स उसका एक्सप्लेन होना चाहिए, जरूर एक्सप्लेन करेंगे, उसी को हम यहां पर क्लियर करने के लिए वन बाय वन हम लिस्ट कर रहे हैं। सिंपल डिफ्यूजन की बात सबसे पहले शुरू करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन क्या है देखिए सर, अगर आप सिंपल डिफ्यूजन को ध्यान से देखें तो इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सी वन थिंग, पहले तो मैं आपको एक बात ऐसे समझा देना चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी प्रोटीन्स हैं,
आप पहले इस चीज को जरा ध्यान दीजिए, कहीं पर प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हैं। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मालूम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लोट करने वाले अलग अलग प्रोटीन्स हैं, ये आप फॉस्फोलिपिड जानते हैं, जो आप कहते हैं कि फ्लूइड है, और इस प्रोटीन को आप मोजैक कहते हैं। आपने सिंगर एंड निकल्सन का मॉडल पढ़ा हुआ है, फ्लूइड मोजैक मॉडल, जो ये बताता है कि प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलिपिड के फ्लूइड में तैर रहे हैं, जैसे कि आइसबर्ग्स इन द ओशन। बिल्कुल आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ी हुई है। अगर कोई सब्सटेंस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मैंने आपके सामने रख रखी है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर कोई सब्सटेंस यहां से चलता है, सपोज दैट इज सब्सटेंस ए, व्हेन इट क्रॉसेस द मेम्ब्रेन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी कैरियर और चैनल प्रोटीन, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी कैरियर और चैनल प्रोटीन, देन दिस ट्रांसपोर्ट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। बट व्हेन अ सब्सटेंस बी सपोज ट्रांसपोर्टेड वाया स्पेसिफिक चैनल प्रेजेंट ऑन प्रोटीन, वो यहां आता है, फिर ये घूमता है, और फिर वो चीज यहां डिलीवर हो जाती है प्रोटीन के थ्रू अगर गया है, तो हम इसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट वी कॉल इट एज? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर चूंकि हम एक मेम्ब्रेन बना करके दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए हम यहां पर बात जरूर इस तरीके से करेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन को हम, हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम डिफ्रेंशिएट भी यहां कर सकते हैं। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें और डायरेक्ट क्रॉस करने की बात करें, आप जानते हैं कि ये लिपिड नेचर का है, प्रोटीन इज डिफरेंट नेचर, बट द फॉस्फोलिपिड इज द प्रेजेंट हियर, एंड इस फॉस्फोलिपिड के अंदर क्रॉस करने के लिए किसी भी चीज को ये जरूरी है कि वो फैट सॉल्युबल हो। वो क्या होना चाहिए बेटा? फॉर फैट सॉल्युबल। तो जो चीजें फैट सॉल्युबल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। ध्यान रहे, सिंपल डिफ्यूजन इज फॉर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, जबकि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये मेम्ब्रेन में नहीं घुल सकता था, इसलिए प्रोटीन का सहारा लिया इसने। सो दिस इज फॉर वाटर सोलिबल। ये वाटर सोलिबल सब्सटेंसेस के लिए है जिन्हें आप एक्चुअल में हाइड्रोफिलिक कहा करते हैं। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के लिए आप कह रहे हैं कि प्रोटीन के वाया ट्रांसफर हुआ, और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। यह भी एनसीईआरटी या कहीं डेटा जरूर है कि अप टू 15 एंगस्ट्रॉम तक के सब्सटेंसेस ही डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन कर सकते हैं, उससे बड़े सब्सटेंसेस डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर सकते इन नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। सो वी आर हियर टू रिवाइज आवर इंफॉर्मेशन। हम सिंपल डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर की बात थी, आप क्या क्या चीजें उसमें समझ सकते हैं। सी हियर, सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन जो है वो पैसिव है। सबसे पहले क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि नो एटीपी कंज्यूम, नो एटीपी कंज्यूम। याद करने का तरीका क्या है बेटा, वो समझिए। अगर पैसिव है तो ये एकदम बेसिक आइडिया है कि ये स्लो होगा, ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मेरा मतलब है कि हाई टू लो कंसंट्रेशन चलेगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला करेगा। ठीक है, बेसिक आइडिया ये भी है कि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन रैंडम फैशन, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन रैंडम फैशन,
रैंडम फैशन में मॉलिक्यूल्स एक तरफ से दूसरी तरफ चलते हैं, हाई टू लो कंसेंट्रेशन है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम पर नहीं डिपेंडेंट होता, यानी डेड पार्ट्स में भी हो सकता है। इस बात से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जब ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन लिविंग सिस्टम, तो आप ये कह सकते हैं कि नॉट अफेक्टेड बाय मेटाबॉलिक रेट, ये उस ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर सेल की मेटाबॉलिक रेट से अफेक्ट भी नहीं होता है। रेजिस्टेंट टू इनहिबिटर, कोई इनहिबिटर इसे रोक नहीं सकता। ये एकदम बेसिक आइडिया है कि ये रेजिस्टेंट टू इनहिबिटर होगा और इस तरीके से ये चलता रहेगा। एनसीईआरटी में एक सेंटेंस यहां पर है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि डिफ्यूजन इज कॉमन इन गैसेस एंड लिक्विड। आप कहते हैं कि डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आइए मैं जरा इस बात को आगे समझाता हूं। एक एनसीईआरटी का सेंटेंस है बड़ा फेमस और बहुत कंट्रोवर्सियल भी है, तो उसी को एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं। अगर आप देखें तो वो किस इस तरीके से है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि ये तीन मैंने सेक्शंस आपके सामने ड्रॉ किए हैं, एक तरफ मैंने थोड़ा डिस्टेंट पार्टिकल्स बनाए और बोला कि ये गैस है, थोड़ा और नजदीक बनाए और मैंने कहा कि ये लिक्विड है, थोड़ा और अगर नजदीक मैं इन्हें कर दूं तो मैं कहूंगा कि ये सॉलिड है, सब्सटेंसेस बहुत नजदीक नजदीक है, ये सॉलिड है। सी दिस इज सॉलिड। तो हमने तीन सेक्शन किए, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर आप देखें डिफ्यूजन की बात, तो जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस यहां से आता है तो यहां पर डिफ्यूज करना एकदम आसान है, यहां पर भी डिफ्यूज करना आसान है। आपने इसका एग्जांपल देखा है, जो एयर है वो गैस में गैस के डिफ्यूजन का एग्जांपल है। जो लिक्विड में अगर डिफ्यूजन गैस की बात करें तो आपको बिल्कुल पता होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोक या पेप्सी एग्जांपल के तौर पर कोई भी लिया जा सकता है। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, लिक्विड में गैस डिफ्यूज है। लेकिन अगर हम बात करें तो लिखा है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड रादर देन ऑफ सॉलिड इज मोर लाइकली टू अकर, यानी सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन सॉलिड के डिफ्यूजन से आसान है। मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, सॉलिड में डिफ्यूजन, मैं आपको याद कराने के लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूं, सो दैट योर ब्रेन कैन मेक इट अ यूनिक कॉम्बिनेशन। सॉलिड में डिफ्यूजन ज्यादा होता है सॉलिड के डिफ्यूजन से। यह ध्यान रहे आपको दैट सॉलिड में डिफ्यूजन सॉलिड के डिफ्यूजन से काफी ज्यादा है, हम उसी को अपने दिमाग में रख करके बात करेंगे। तो एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात रहेगी। यहां पर बेसिक आइडिया एक और दिया हुआ है जिसे आप जरूर समझ लें। दिया हुआ है डिफ्यूजन प्रेशर। पहली बात तो यह लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन कंटिन्यूज टिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से व्हाट आई मीन अबाउट इक्विलिब्रियम, दैट दोनों तरफ बराबर कंसंट्रेशन हो जाए। डिफ्यूजन कंटिन्यूज टिल द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए, आप जानते रहिए कि डिफ्यूजन कंटिन्यू चलता रहता है। एक ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा कि डिफ्यूजन प्रेशर एक चीज है जिसे आपको समझना पड़ेगा। डिफ्यूजन प्रेशर आगे ये बार बार आएगा, दिस इज कॉल्ड एज डीपी। ये भी आप अपने दिमाग में रखिए कि डिफ्यूजन प्रेशर एक कॉन्सेप्ट है, डीपी।
ध्यान रहे कि जब किसी एनवायरमेंट में, जब किसी सिस्टम में कोई चीज का डिफ्यूजन होता है तो वहां पर वो एक सर्टेन प्रेशर कॉज करता है, उसी प्रेशर को हम डिफ्यूजन प्रेशर कह रहे हैं। इट इज टोटल प्रेशर कॉज्ड ड्यू टू डिफ्यूजन इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम में डिफ्यूजन की वजह से लगने वाले प्रेशर को हम डिफ्यूजन प्रेशर कहा करते हैं, ध्यान रहे ये बात। सो ये चीज क्लियर रहे। ऐसे फैक्टर्स जो सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिंपल डिफ्यूजन और डिफ्यूजन आर क्या क्या है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फॉरमोस्ट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन का डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा डिफ्यूजन उतना ही फास्ट, उतना ही रैपिड होता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम समझें तो अगर हम एक जगह कहीं पर हैं और वहां से दो सेम डिस्टेंस पर एक जगह कहीं रोज का बुके रखा हुआ है और दूसरे जगह कहीं पर अगर आपने देखा कि वहां पर परफ्यूम की बॉटल रखी हुई है, खुली हुआ परफ्यूम रखा हुआ है, तो आपके पास परफ्यूम की स्मेल पहले पहुंचेंगी बिकॉज कंसंट्रेटेड ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रहे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफ्यूजन के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा फैक्टर जो इस काम में है वो है परमीएबिलिटी। अगर कोई मेम्ब्रेन है, परमीएबिलिटी, अगर कोई मेम्ब्रेन है जितनी ज्यादा परमीएबल उतना ही रैपिड डिफ्यूजन, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज क्लियर रखिए। गैसेस का डिफ्यूजन, एज आई हैव कोटेड कि प्लांट में गैसेस का डिफ्यूजन होता रहता है, इसी चीज को यहां पर याद रखिए कि सिंपल डिफ्यूजन की बात के साथ एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि सिंपल डिफ्यूजन इज ओनली मेथड ऑफ गैसियस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट्स में गैसियस ट्रांसपोर्ट की अकेली मेथड है जिसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। यानी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो प्लांट में गैसियस का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट में होने वाली अकेली मेथड है। तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है दैट टेम्परेचर इज ऑल्सो रिलेटेड विद डिफ्यूजन इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैनर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप टेम्परेचर राइज करेंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कहीं पर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड काइनेटिक एनर्जी इफ इंक्रीजेस सो उनकी ब्राउनियन मोमेंट या डिफ्यूजन ये भी श्योरली बढ़ा करेगा। और सबसे एंड में प्रेशर, ध्यान रहे कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है डिफ्यूजन घटता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है डिफ्यूजन घटता जाता है। एनवायरमेंट में अगर प्रेशर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल बाहर निकल के आ नहीं पाएंगे, और जब मॉलिक्यूल बाहर निकल के आ नहीं पाएंगे तो डिफ्यूजन हो नहीं पाएगा। तो ये चार फैक्टर आपके सामने हैं जो डिफ्यूजन को समझा सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, ये उनके रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जो डिफ्यूजन है वो हमारी लाइफ में सब जगह देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि डिफ्यूजन में अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि गैसेस का डिफ्यूजन प्लांट्स में CO2 और O2 का, O2 क्लोरोप्लास्ट में फॉर्म होती है और वहां से निकलकर बाहर आती है, हम लोग ब्रीद करते हैं। बाहर से CO2 प्लांट्स के अंदर जाती है, आपको मालूम है कि
डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड स्ट्रोमा ऑफ थैलेकोइड। और स्ट्रोमा थैलेकोइड सेल होगी, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होगा, वहां तक डिफ्यूज होके ही जाती होगी। तो ये चीज यहां पर ध्यान देने वाली रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी आर हियर टू डील विद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आइए जरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, दैट इज एफडी। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ऐसा डिफ्यूजन है जिसमें सब्सटेंसेस वाया प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मैंने कहा ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक, याद आया आपको हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट वाया प्रोटीन चैनल या कैरियर, प्रोटीन चैनल या कैरियर के थ्रू जब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है तो हम उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा करते हैं। और क्या क्या बातें हो सकती हैं? फॉरमोस्ट इज ये भी पैसिव है, नो एटीपी, एटीपी का खर्च नहीं होता यहां। दूसरी बात मैंने कहा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा ये। इसी के साथ मैंने आपको बोला जब ये पैसिव है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन ये फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन है, फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन। ध्यान देने वाली बातें क्या है? सेंसिटिव टू इनहिबिटर है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर है, इनहिबिटर इसे रोक सकता है। ये बात ध्यान रहे कि इनहिबिटर जो होते हैं बाइंड्स टू साइड चेन ऑफ चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के साइड चेन से जाकर इनहिबिटर बाइंड हो जाते हैं और उनका घूमना रोक देते हैं। ये इसका खास बात है यहां। और चीजें क्या है इसमें सेंसिटिव इनहिबिटर के साथ साथ, और क्या है? ये सेलेक्टिव है, याद रहे सिंपल डिफ्यूजन नॉन सेलेक्टिव है, हर सब्सटेंस का होता है। ये सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव है, इसका मतलब है प्रोटीन्स आर एंजाइमेटिक इन नेचर। आप जानते हैं कि एंजाइम के एक्टिव साइट पर सर्टेन सब्सटेंसेस ही बाइंड कर सकते हैं। चूंकि कैरियर प्रोटीन एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं बेटा, इसलिए ये सेलेक्टिव भी है, सेलेक्ट करेगा कि कौन से सब्सटेंसेस को ले जाना है और कौन से सब्सटेंसेस को नहीं ले जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वर्क करेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस है, अगर इसमें देखें तो दो तीन चीजें और भी हैं जो रिमार्केबल है। पहली बात कि इट शोज सेचुरेशन काइनेटिक्स। ध्यान दीजिए, ये सेचुरेशन काइनेटिक्स शो करता है, यानी कहने का मतलब इसे यहां से देखिए, पहले शुरुआत में ये फास्टर जाएगा 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 और एक सर्टेन टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है, ये कहां पर ये होगा फिक्स, उस बात को समझ लीजिए अभी आप, कि व्हेन ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन के सारे एक्टिव साइट्स आर सेचुरेटेड, जब प्रोटीन के सारे एक्टिव साइट सेचुरेट हो जाएंगे बेटा, तो इसका रेट बढ़ना बंद हो जाएगा। दिस इज रेट, तो रेट सर्टेन टाइम तक बढ़ेगा, उसके बाद ये यहां पर रुक जाएगा। ऐसी मूवमेंट को हम सेचुरेशन काइनेटिक्स कहते हैं। प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, सेंसिटिव इनहिबिटर आपने समझ ही लिया, फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन मैं पहले ही कह चुका हूं, पहले ही कह चुका हूं। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के लिए होता है, ये आप यहां पर क्लियर जान गए। ध्यान रखिए कि एक बात और लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इट डज नॉट एस्टेब्लिश
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसा नहीं है, मैं अभी अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको समझा रहा था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश नहीं करेगा, बट द ग्रेडियंट इज, ये ग्रेडियंट पहले से होना चाहिए, द ग्रेडियंट इज प्री रिक्वायर्ड, द ग्रेडियंट इज प्री रिक्वायर्ड फॉर दिस डिफ्यूजन टू टेक्स प्लेस। इस डिफ्यूजन को चलाए रखने के लिए, होने के लिए पहले से ये ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है। जब तक ये ग्रेडियंट नहीं रहेगा, ये डिफ्यूजन आगे काम नहीं कर पाएगा। ये डिफ्यूजन, एक चीज और एनसीईआरटी में रिमार्केबल है बेटा, कि डिफ्यूजन रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स, बट इट इज मेजरली फैक्टर ऑन साइज ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। ध्यान रहे कि डिफ्यूजन रेट डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस के साइज पर डिपेंड करेगा बेटा, सब्सटेंसेस के साइज पर। ध्यान से समझिए, साइज ऑफ सब्सटेंसेस, हम सिंपल बात ये कहते हैं दैट स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज्ड फास्टर देन लार्जर सब्सटेंसेस। स्मॉलर सब्सटेंसेस को डिफ्यूज कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फास्ट काम करता है इन कंपैरिजन टू लार्जर सब्सटेंसेस। सो दिस इज द सिंपल थिंग रिलेटेड टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एनसीईआरटी में आपके इस डिफ्यूजन को लेकर के तीन सिस्टम उसमें समझाए हुए हैं, जरा आप उन्हें भी देखें। अगर आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखें तो ये दो तरह का होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अगर आप देखें तो ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं यूनिपोर्ट और दूसरे को कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। व्हाट वी कॉल यूनिपोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट। अगर आप यूनिपोर्ट को देखें तो आप कहेंगे कि एक मेम्ब्रेन है, एक प्रोटीन है, इधर एक सब्सटेंस है, एक साइड से दूसरे साइड जाना है, यहां पर आ गया। जबकि को ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, को ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप। एक को कहते हैं सिंपोर्ट और दूसरे को कहते हैं एंटीपोर्ट। ध्यान से देखिए बेटा, एक को कहते हैं सिंपोर्ट और दूसरे को क्या कहते हैं, एंटीपोर्ट। सिंपोर्ट में आप देखेंगे कि प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में है, यहां से सब्सटेंस जाता है, एक सब्सटेंस मान लीजिए ए है, वो एक साइड से दूसरे साइड, तो दूसरा सब्सटेंस बी एक साइड से दूसरे साइड चलता है। ए और बी दोनों साथ साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों तो इसे हम कहते हैं सिंपोर्ट। व्हेन यू कम टू थर्ड, दैट इज एंटीपोर्ट, तो यहां पर स्टोरी थोड़ी अलग है। यहां एक सब्सटेंस एक साइड से दूसरे साइड जाता है, ठीक उसी टाइम दूसरा सब्सटेंस मान लीजिए बी उस तरफ है तो उस तरफ से इस तरफ आ रहा है, यानी दो सब्सटेंसेस हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में चला करेंगे। यानी इस बात को कैसे याद करें, यूनिपोर्ट वन सब्सटेंस वन डायरेक्शन, एक सब्सटेंस भी है एक डायरेक्शन भी है। हियर टू सब्सटेंसेस वन डायरेक्शन, दो सब्सटेंस हैं लेकिन डायरेक्शन एक ही है। यहां टू सब्सटेंसेस एंड टू डायरेक्शंस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को बहुत सिंपल तरीके से एक जगह समझाया, एग्जांपल दिया उन्होंने कि अगर आप वाटर चैनल्स की बात करें, एग्जांपल में देखिए, अगर आप वाटर चैनल्स की बात करें तो आप कहते हैं कि जो वाटर चैनल्स होते हैं उन्हें हम एक्वापोरिन्स कहते हैं, पोरिन्स बनते हैं। जैसे इस तरीके से अगर देखें तो एक दो तीन
चार, पांच, छः, सात और आठ। दीज आर एट प्रोटीन्स, ये एक्वापोरिन्स हैं, एक्वापोरिन्स हैं, एट डिफरेंट। ये क्वेश्चन भी है सिस्टम में कि आठ है, सेम है कि डिफरेंट है। आठ डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन्स मिलकर एक चैनल बनाते हैं, दिस इज पोर। तो ध्यान रहे कि ये पोर और एक्वापोरिन्स दोनों जब मिल जाते हैं तो इन्हें पोरिन्स कहते हैं और यही वाटर चैनल कहलाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। आपको ध्यान होगा कि ये क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द डिस्कशन रिलेटेड टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जहां पर ये दोनों डिस्कशन खत्म होते हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहीं पर एक शॉर्ट में डिस्कशन आता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान दीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो उन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले तो एक्टिव नेम आपको क्लियर होना चाहिए कि एटीपी कंज्यूम होता है, एटीपी कंज्यूम्ड। दूसरे नंबर पर जब पहुंचा मैंने, तो मैंने कहा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, मतलब कि लोअर टू लो टू हाई कंसंट्रेशन चलेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर बढ़ेगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्रोटीन इन्वॉल्व्ड, ऐसे प्रोटीन बेटा जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम पंप्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम एज पंप्स। पंप्स ऐसे प्रोटीन हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। ध्यान रहे फास्टेस्ट है ये भी ध्यान रहे, दोनों से फास्ट होगा, सेंसिटिव इनहिबिटर तो है ही। इसके साथ मैंने आपको कहा सिलेक्टिव है, सेलेक्टिव है, यानी जब प्रोटीन इन्वॉल्व हुआ है तो सेलेक्टिव होगा। ये भी शोज सेचुरेशन काइनेटिक्स। वही सेम बात मैंने आपको बोला था कि ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था कि जब प्रोटीन इन्वॉल्व होगा तो उसके जब सारे एक्टिव साइट भर जाएंगे तो रेट बढ़ना बंद हो जाएगा। सिमिलरली शोज सेचुरेशन काइनेटिक्स, एक सर्टेन टाइम के बाद ग्राफ करके समझाया था कि ये बढ़ना बंद हो जाएगा, तो वो चीज ध्यान में रहे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमने कहा फास्टेस्ट है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर है, ये सारी चीजें तो आप समझते ही हैं। ध्यान रहे कि ये फॉर चार्ज्ड एंड अदर आयंस, ये आयंस के लिए जो चार्ज आयंस हैं या बाकी कोई कंसंट्रेटेड सब्सटेंस है तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप्लाई होता है प्लांट्स में। आपने बेस्ट एग्जांपल समझा है, आपने एग्जांपल समझा है एन ए प्लस के प्लस ट्रांसपोर्ट, एन ए प्लस के प्लस ट्रांसपोर्ट या जो ट्रांसपोर्टर है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही प्रोसेस को कंप्लीट करते होंगे, एन ए प्लस के प्लस ट्रांसपोर्ट। ये चीज यहां पर रिमार्केबली आपको याद रहनी चाहिए। तो आज हमने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इस चैप्टर का शुरुआती कंटेंट किया है। बाकी का कंटेंट पहले आप इतना रिवाइज कीजिए, हम अगले नोट्स में अपने करेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर।